नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का अपने स्टडी विद राजवीर सर चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बिल्कुल किलोग्राम से ग्राम का भाव निकालना आपको सिखाते हैं, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको आसानी से समझाया जाएगा, ताकि आपको कोई जीवन में कोई दिक्कतें न हो। तो बिल्कुल आप वीडियो को सिर्फ आपको पूरा देखना है तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस भी कर देखना तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो 50 किलोग्राम चावल का भाव 900 रुपये है, तो 200 ग्राम चावल का दाम बताइए। सबसे बड़ी यहाँ अगर ग्राम आ जाता है तो हम यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है, मतलब यहाँ बच्चे पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किलोग्राम की कितना 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते भाई, 1 किलो में 1000 ग्राम होते। तो सबसे पहले हम इस किलोग्राम का हम ग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ ग्राम में ही इसका भाव निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 50 × 1000, तो हमारा क्या आ जाएगा, 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम। तो हम अब इस पे स्टेटमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि हमने किलोग्राम का क्या ग्राम बनाया है। तो अब हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, 50,000 ग्राम। अब ये ग्राम हो चुके हैं, किलो नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट किए हैं, ग्राम में कन्वर्ट किए हैं। तो 50,000 ग्राम चावल का भाव कितना है, 900 रुपये है। अब यहाँ हम सिर्फ समझने की बात है बिल्कुल, अब यहाँ हम 1 ग्राम का भाव निकाल लेते हैं, 1 ग्राम का भाव, 1 ग्राम, 1 ग्राम का भाव निकाल लेते हैं। तो 1000 1 ग्राम का भाव निकालेंगे तो इससे कम रुपए होंगे, ज़्यादा होंगे, अगर इससे कम होते हैं तो हम किस में रखते हैं, डिवाइड के अंदर रखते हैं। तो 900 बटे हम कितना रखेंगे, 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, इस जीरो से इस जीरो काट लेते हैं, इस जीरो से इस जीरो काट लेते हैं। अब हमारे पास है 9/500। अब हमें किसका भाव निकालना है, 200 ग्राम का भाव निकालना है, तो अब हम यहाँ 200 ग्राम का भाव रख देते हैं, 200 ग्राम का भाव, तो हम यहाँ गुना में 200 रख देते हैं। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो काटेंगे। अब ये संख्या आपस में कट नहीं रही है, तो 9 के साथ हम 2 की गुना करेंगे, 9 × 2 = 18, और बटे हम कितने रख देते हैं, इसके 5 बचे हुए, तो इसको हम यहाँ बिठा देते हैं। अब इसको हम भाग कर देंगे, 18 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 × 3 = 15, 3 बचते हैं हमारे पास इसमें से। आगे हम पॉइंट लगा लेते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे हम, फिर जीरो लगाएंगे हम, 5 × 30, 5 × 30, इसमें कुछ नहीं बचता है, तो इसको हम काट देते हैं, 3.60, तो हम एक जीरो लगा देते हैं इसके पीछे। अगर हम रुपए बनाएंगे तो 3.60 रुपये। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप प्रैक्टिस कर जरूर देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, लव यू सभी को, अगली वीडियो में मिलते हैं।